सदस्यों के अजलास के उनके पास चिकोंगे और खेरस होंगे, तो अभी हम छत पे आए हैं। तो दोस्तों आयोग दिखाते हैं क्या क्या जो मतलब जो हमें छत पे आए हुए हैं। तो फिंच तो आपने देख ली थी वीडियो में, तीन दिनों बाद हम ब्लॉग बना रहे हैं ना। तो एक आपको गुड न्यूज़ देनी है, ये देखें। तो जो हमारी फीमेल है ना, वो क्या बोलते हैं तोतों की फीमेल, वो जा रही है। और एक तो उड़ गई थी, हमें पता नहीं था ना, इधर से एक वो गई थी। और ये फिंच बैठी हुई है, दिखाता हूँ आपको। तो फिंच भी ना घोंसला बना रही है। हमने तीन दिन पहले ही इनको डाला है, तीन दिन पहले व्लॉग आया था ना, तो इनको जब लाए थे तो ये इनको ऐसे ही छोड़ा हुआ था हमने अंदर। तो अब मछले घोंसला भी बना लिया ना, ये देखें ये अंदर ही जा रही हैं और वो भी जा रहे हैं। और आपको बता दें ये हमारी फीमेल है ना, फीमेल है, ये घंटा दिया था जो टूट गया। इस वाली ने एक दिया था लेकिन टूट गया, अंदर बैठी हुई वो फीमेल। तो अभी आपको एक चीज़ दिखाते हैं, माशाल्लाह से फीमेल जाके बैठ गई अंडे पे कबूतर के। तो एक तो ये अंडा दे चुके हैं और दूसरी बात ये भी अंडा देने वाली है। ये इधर इसका मेल गया हुआ है, ये इधर से, तो ये भी अंडा देने वाली है। और इधर एक बैठी हुई है ना, अंडा दिखा देते आपको, ये देखें ये अंडा है। अभी अंडे की भी कैलिंग करेंगे। और दूसरी बात ये देखें, ऐसे लगा हुआ ऐसे लगता है, हवा आती रहती है 24 घंटे इधर से उधर से, तो इनको कोई परेशानी नहीं होती। इसका मेल निकालते पहले। तो दोस्तों ये मेल बैठा हुआ है अंदर ही, फीमेल बाहर है, अंडा दिया ही नहीं, पहले बैठ जाते हैं। ये चेक कर लेते एक बार, नहीं अंडा नहीं दिया इन्होंने, तो इनकी मर्जी है भाई। और ये मादा भी बैठी हुई है, वहाँ कुछ कपड़े चार पांच छह जोड़े हमारे बैठ गए, कुछ पैरेट के बैठे हैं, फिंच का भी बैठ गया एक और उसका भी बैठ गया। और दूसरी बात आपको बताते हैं, बटेर जो लाए थे ना, तो उसकी चीज़ बताते हैं आपको। ये आपको दिख रहा होगा एक बटेर, ये वाला भूल गया तो उड़ते ही मैं पूरा खोल के खड़ा हो गया। तो अब अभी आपको एक दिख रहा है ना, ये तो एक पीछे बैठा हुआ है दो वाइट कलर का, खाते आपको ये देखिए, ये आ रहा है, ये आ रहा है। तो जो दूसरा था ना हमारा ब्लैक रेड कलर लाए थे ना, तो एक रेड हमारा मर चुका है, पता नहीं कैसे मरा है, तो दिखाते हैं आपको अंदर जाके। पहले दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं होता भाई। तो ये वाइट वाला खड़ा हुआ है और इतनी बदबू है अंदर कि बता नहीं सकता भाई। और इधर पिंजरा भी रखा हुआ है ना, इसलिए ये देखें ये पड़ा हुआ है, बहुत अफसोस हो रहा है यार, ये मर गया। मरना तो नहीं चाहिए था लेकिन बीमार था ना इसलिए मर गया। और ना तो इसके लिए हम वाइट वाला ले आए ताकि ना ये वो नहीं हो। ये रहा, एक ये रहा, तो कितना खूबसूरत क्या हुआ, रेड बटेर थे हमारे दोनों, एक बचा हुआ यार वो वाला, इतना ढूंढ के लाए थे हम। क्योंकि रेड ना किसी किसी जगह पे मिलते हैं, ज़्यादा नहीं मिलते भाई रेड।
भाई यही थी सबसे गंदी बात आज की। अब इसको दफनाने का करते हैं कुछ, दफनाते तो इसे हैं और अच्छा से घास भी उग गए। ये देखें ये बटे बहुत खाते हैं, कुछ कुछ लोग खिलाते हैं वैसे कुछ कुछ नहीं खिलाते। अभी हम मैं तो खिलाता हूँ, कुछ ढूंढना होगा ना उसमें, काटना होगा अपना हाथ से तोड़ के बटेरों को डाल देते हैं और ना इसमें भी उसमें को दफना देते हैं सारे बटेर को। और उसका भी अफसोस हो रहा है यार, वो तोता भी चला गया हमारा। ये ले खड्डा खोदते पहले, तो खड्डा खोद चुके हैं पहले, ये कर लेते हैं। तो जाली हमने इसलिए लगाई है, वो जो है ना हमारे मुर्गियाँ वो आगे फिनिश कर देती हैं, ख़त्म बाय बाय, वो ऐसे कर देती है ना, तो इसलिए हम वो जाली लगा के रखते हैं। ये आधा बटेरों को डाल देते हैं और आधा तोतों को। तो खुल जा, अभी कैमरा पकड़ा हुआ है ना मैंने, तो इसलिए क्रीम नहीं आ रहा वाइट वाला। वैसे वाइट वाले को बहुत शौक है खाने का, ये घास वाला घास, ये घर का घास है ना, तो इसमें वो भी नहीं, कोई वायरल जरासीम वगैरह भी नहीं है। और इसको दफना देते हैं यार, इसको दफनाएंगे पहले, ये घास तोड़ लेते हैं और जो फीमेल है ना हमारी वो खाती है, वो कोई मेल नहीं खाते दोनों, एक तो उड़ गई ना हमारी। बाहर निकल के बैठी हुई खाएगी, टाइम लगेगा इसको निकलने में। दोनों मेल ऊपर ही बैठे रहते हैं इंतज़ार कर रहे हैं। ये देखें दोनों मेल ऊपर हैं, ये मादा अभी बाहर आ गई। पता नहीं घास की इनको खुशबू कैसे जलती है। एक मिनट, बटेरों को और इसको, तो इसको दफनाना हमने। सबसे पहले इसको कुछ करना होगा, पानी वगैरह का। इसको दफना दिए, अब पानी चला के ना ऊपर पानी थोड़ा डाल देते हैं, अंदर रखा हुआ इधर। ये पानी रखा हुआ है, ये हो गया। अब ये भी चला गया यार, बहुत दुख हो रहा है। तो ये थी हमारी आज की जो उम्मीद करता हूँ अच्छे लगे तो लाइक लाजमी कर देना और सब्सक्राइब भी लाजमी कर देना, और बताइएगा इसको सही दफनाया या नहीं। मैंने तो पहली बार सही से कोई दफनाया चीज़, पहली बार नहीं दूसरी तीसरी बार, तो तभी दफनाया था एक बार, तो काफ़ी बार दफनाया तो ढेर अभी तक बनाया है।